हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके साथ कंद के लड्डू की रेसिपी लेकर आए हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मुलायम व मुँह में घुल जाने वाली मिठाई है। इसे कोई भी बना के तैयार कर सकता है कम खर्चे में, कम समय में। ये लड्डू बनाने के लिए कम से कम खर्चा आता है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाते हैं कितना ज़्यादा नरम बना है। इसे नवरात्रि व्रत में खाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे। हम कंद को मार्केट से नहीं मंगा रहे हैं, घर पे ही बना के तैयार करेंगे। कंद को लगातार चलाते रहेंगे, चीनी को मेल्ट होने देंगे। गैस लो फ्लेम रखेंगे, लगातार ही चलाते रहेंगे। अगर आप चलाएंगे नहीं तो कढ़ाई में चिपक जाएगी नीचे। चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है, लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे। धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगी। चीनी मेल्ट हो चुकी है, गैस को लो ही रखेंगे। धीरे धीरे ये कंद बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, लगातार ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे। बबल आने लगे हैं। कंद बनना स्टार्ट हो गया है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसे छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें एक ही जगह पे जम जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे ये कंद बन जाएगा। लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे, देखिएगा। धीरे धीरे ये कंद बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे ये थोड़ा ठंडा होता जाएगा, कंद बन जाएगा। ये देखिए, एकदम पीसी चीनी की तरह बन गया है। थोड़े थोड़े से इसमें कंकड़ हैं, वो हम अपनी करछी से फोड़ लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें ज़्यादा कंकड़ हैं तो आप इसे किसी छलनी से छान के निकाल दें। मेरे कंद में थोड़े थोड़े से कंकड़ हैं, तो अब हम इसे छान के एक थाली में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने कंद को छान लिया है, थाली में निकाल लिया है। देखिएगा कितना ज़्यादा अच्छा बना है, एकदम मार्केट जैसा, दरदरा सा। अब हम इसमें मावा मिलाएंगे। ये घर पे ही मैंने मावा बना के तैयार किया है। मावा को डाल देंगे इसमें, पिसी हुई इलायची भी डाल देंगे। इलायची से ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। हाथों की सहायता से कंद और मावा को मिला लेंगे, अच्छे से मैश करेंगे इसमें। यहाँ पर मैंने मावा और कंद को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू अपने हिसाब से आप बनाएं, छोटे या बड़े। ये देखिए, मेरा लड्डू बन के रेडी हो गया है। एक इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। इसके ऊपर नारियल का बुरादा ये लगाएंगे, इससे और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है लड्डू का। आप चाहें तो ना लगाएं, स्किप कर सकते हैं। ऐसे ही सारे लड्डूओं को बना के तैयार कर लेंगे।
यहाँ पर सारे लड्डू बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पे गार्निशिंग करेंगे काजू पिस्ता बादाम। इससे बहुत ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो ना लगाएं। यहाँ पर मैंने सारे लड्डुओं पे गार्निशिंग कर दी है। देखिएगा कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें।